फर्रुखाबाद ट्रक से कुचलकर 16 साल की लड़की की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम। प्रियंका थाना मऊ दरवाजा के ग्राम मट्ठा की मंडैया नूरपुर निवासी रामनिवास यादव की पुत्री थी। प्रियंका लोहिया अस्पताल में ANM की ट्रेनिंग कर रही थी। वह आज सुबह पिता के साथ बाइक से लोहिया अस्पताल जा रही थी। जब रामनिवास ग्राम नूरपुर से गुजर रहे थे तभी सामने से आ रहे ट्रक को बचाने में उनकी बाइक असंतुलित हो गई। प्रियंका बाइक से सड़क पर जा गिरी और ट्रक का पहिया प्रियंका के सर के ऊपर से निकल गया। रामनिवास भी घायल हुए। ट्रक चालक ट्रक को भगा ले गया। आगे गाँव में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और चालक की जमकर पिटाई कर दी। ट्रक में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। सूचना मिलने पर 112 नंबर पुलिस ड्राइवर को थाने ले गई। चौकी पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। गांव के बिल्डिंग मटेरियल विक्रेता सुनील यादव ने ट्रक से मोरम मंगाई थी। दुर्घटना स्थल के निकट सड़क पर काफी पानी भरा है। बताया गया कि इसी पानी से निकलने के दौरान रामनिवास की बाइक असंतुलित हुई थी। घटना स्थल के निकट बिजली की लाइन भी काफी नीचे निकली है जिससे ग्रामीणों ने किसी भी समय कोई बड़ा हादसा होने की आशंका जाहिर की। सर क्या मामला हुआ है? थाना मऊ दरवाजा नूरपुर गाँव में एक मोरंग से भरा ट्रक जा रहा था। उसके सामने एक पढ़ने वाली लड़की जो डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी, लगभग 24-25 साल उम्र है, वो उसकी स्कूटी फिसल कर गिर गई तो वो ट्रक के पहिया के नीचे आ गई जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई कराकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं। ट्रक को हिरासत में ले लिया होगा? हाँ, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अभी की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।